कई मुद्दे हैं जो मैं समझती हूं जो आने वाले समय में और आपके पूरे माहौल को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। वो एक तो है एनवायरमेंट, जिसको मैं बहुत पैशनेटली जो है उसको मैं आगे करती हूं। सबसे पहले मैं आपको आज बता दूं, ये राजनीति यहां पर मैं करने नहीं आई हूं, आपके सवाल मैं सुनूंगी और उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो जो चीजें मेरे को बहुत प्रिय हैं उनका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आगे चलकर अपने देश का ही नहीं और अपना आसपास का पर्यावरण का भी बहुत फर्क पड़ेगा। एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो हम जानते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे पिताजी ने एक अगर पत्ता भी मैं तोड़ लिया करती थी तो ये कहते थे कि नहीं ये मत करो, क्योंकि ये जो है ये हमारा पर्यावरण स्वच्छ करता, हमारा पानी जो है उसको ऊपर उठाता है, और पानी नहीं है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है, आप जानते हो। आज जो है पर्यावरण कितनी बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा है, प्लास्टिक्स जो है आप देख रहे हैं कितना गंद जो है, स्वच्छ भारत की बात कही जाती है लेकिन सारी जगह प्लास्टिक 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 सारी जगह हो रहा है। ये प्लास्टिक ऐसी चीज है जो सदियों सदियों तक खत्म नहीं हो सकता, इसको अगर आप जलाएंगे तो इसके बहुत ही जो है केमिकल जो इसके निकलते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसको अगर आप दबाएंगे तो जहां पर आप दबाते हैं वो जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, हमारी गायें जो हैं वो इनको जाके आप देखते हैं कि खाती हैं, उसके बाद बीमार हो जाती हैं और बुरा हाल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर हमारे को सोचना है, हमारे को ये भी सोचना है कि आज के दिन हम हमारा देश 70 साल पहले जो आजाद हुआ था, आज इतने सालों के बाद हम कहां जा रहे हैं, कितनी ईमानदारी हमारे अंदर रह गई, कितना काम करने की चेष्टा हम रखते हैं और कितनी मेहनत हम करना चाहते हैं या मेहनत के बिना आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये युवाओं को समझनी है, सोचनी है और इनके ऊपर अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिम अ डल बॉय, ये सत्य है बिल्कुल, कि सारा पढ़ाई पढ़ाई से ही नहीं होता, 24 पूरी तरह से 360 डिग्रीज के अंदर आपका दिमाग विस्तार होना चाहिए, शारीरिक भी मानसिक भी, और अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो मैं बाद में कंक्लूड करूंगी अपने सारे रिमार्क्स और मैं मंच जो है आपको खोलती हूँ और आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप पूछें उसको डिसिप्लिन में और अच्छी तरह से पूछें ताकि उसका जवाब अच्छी तरह से मैं आपको दे सकूं। कोई इसके अंदर ना आपकी तरफ से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए और ना ही मेरी तरफ से होगा, तो आपके लिए मैं मंच खुला छोड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे भवानी के